All right, sorry. So I'm starting again. We are going to revise with the chapter of forms of business organization. Usme stages in the formation of company aaj discuss karenge hum. Usse pehle main aapko ye bhi bata dun ki joint stock company ki jab hum baat karte hain, it is of two types. One is private company, another is public company. So whenever we jab bhi viva wagera bhi hota hai yahan थ्रेटिकल क्वेश्चन हम बच्चों से पूछते हैं, बच्चे पहली डिफरेंस जो है यही लिखते हैं, प्राइवेट कंपनी इज ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, पब्लिक कंपनी इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट गवर्नमेंट. दिस इज रॉन्ग. प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज बोथ आर ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर. माइंड इट, देयर इज अ डिफरेंस. पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ठीक है ना, क्या डिफरेंस है. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज नॉट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, इट इज ओन्ड बाय द जनरल पब्लिक. सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी इज प्राइवेटली ओन्ड, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फ्यू मेंबर्स, ठीक है, दे मे जॉइन अ प्राइवेट, दे मे फॉर्म अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी and they do not subscribe their capital from general public. वो public से अपनी company को चलाने के लिए पैसा नहीं लेते. उनके जो shares होते हैं वो closely held होते हैं, ठीक है, 8, 10, 20. अभी जो according to new companies act, which is the new companies act, companies act 2013, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, 200 मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं. बेटा ये लिखते जाओ, ये चीजें एमसीक्यूज में आती हैं. मैक्सिमम मेंबर्स कैन बी 200, ठीक है. नाउ ये कंपनी के पास राइट नहीं है अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने का. शेयर्स आर क्लोजली हेल्ड, दीज आर नॉट सोल्ड टू द जनरल पब्लिक, ठीक है. सो दैट्स व्हाई इट इज, दिस कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इशू प्रोस्पेक्टस. इस कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है, एनीवन, व्हाई दिस कंपनी नीड नॉट इशू प्रोस्पेक्टस. यस मेघा, सिंपल क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड, any one of you may answer why private company need not issue prospectus. bete mcq mein kisi bhi tarah ke questions aa sakte hain. megha, samriddhi, because they don't need public subscription, capital subscription. and what is prospectus? It is a statement that invites the public to subscribe its share. Yes, but not statement. It could be any circular. It could be notice. It could be, you know, कोई भी एक prospectus, कोई भी एक invitation है. Invitation किसी भी form में हो सकता है, ठीक है, हो सकता है web पे आ जाए, online invitation हो सकता है कि एक newspaper में आ जाए. So any invitation which invites the public to subscribe for the shares in the company, that is a prospectus. ठीक है, तो जब आपने पब्लिक को बुलाना ही नहीं है तो फिर इन प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत क्या है. आपके घर में मैरिज है, आपने सिंपल मैरिज करनी है, सिर्फ फैमिली मेंबर्स को बुलाना है, तो क्या आप कार्ड छपवाओगे इन्विटेशन के? नहीं छपवाओगे. इसी तरह से प्राइवेट कंपनी है, ये फैमिली मेंबर्स से बनी है. यहाँ पे हमने पब्लिक को इनवाइट ही नहीं करना कि हमारी कैपिटल कंपनी के शेयर्स खरीदो, तो फिर इनविटेशन इशू करवाने की जरूरत है? नहीं है ना. इनविटेशन कंपनी के शादी के इनविटेशन को कार्ड कहते हैं, कंपनी के इनविटेशन को क्या कहेंगे? प्रोस्पेक्टस. सो व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस? इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी. सो यू डू नॉट नीड टू इनवाइट पब्लिक, सो यू डू नॉट नीड टू प्रिंट प्रोस्पेक्टस, ठीक है.
Okay, then you should also know about one person company, OPC. सबसे पहले ये कौन से एक्ट में बनी है? कंपनीज एक्ट 2013 में ही बनी है. सो विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, अ सिंगल पर्सन कुड कॉन्स्टिट्यूट अ कंपनी. ठीक है, सो दिस इंट्रोडक्शन ऑफ ओपीसी जो है, इट इज अ मूव दैट वुड इनकरेज कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ माइक्रो बिजनेस. जो स्मॉल लेवल का बिजनेस होता है उसको कॉर्पोरेटाइजेशन करना, मतलब उसको कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, का मौका उनको मिल जाएगा. ठीक है, तो वन पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ही पर्सन होता है जो उसका मेंबर हो सकता है, एक ही पर्सन है जो शेयर होल्डर है, इसको वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मिलते हैं. आप बोलो मैम ये तो सोल ट्रेडर की तरह हुई. नहीं, क्या फर्क है दोनों में? ये कंपनी है, वो फर्म है, फर्क क्या है? नाम का फर्क थोड़ी ना है. कंपनी को क्या बेनिफिट मिलते हैं जो सोल प्रोप्राइटर को नहीं मिलते? यस, जो अगर आपने ओपीसी बनाई है, यानी आप सिंगली एक सिंगल ओनर है आपके बिजनेस का, लेकिन आपने उसको इनकॉर्पोरेट करवाया हुआ है, आप अपने बिजनेस के आगे कंपनी लिखते हैं, ओपीसी लिखते हैं, तो ये कंपनी हो गई, तो आपकी लायबिलिटी क्या हो गई? लिमिटेड. कल को आपकी कंपनी का नुकसान हो गया, आपने आपकी देनदारी है 5 करोड़ रुपए, लेकिन आपने इन्वेस्ट किए हुए 4 करोड़ रुपए, आपके बिजनेस एसेट्स बेच के कितने आए? 4 करोड़. आपने 4 करोड़ उतार दिए, अब 1 करोड़ बच गया, वो आपकी हेडेक नहीं है. Whereas, अगर आप सोल प्रोप्राइटर होते तो बिजनेस एसेट्स बेच के 4 करोड़ गए, तो 1 करोड़ रुपए और कहां से देना है? पर्सनल एसेट्स को बेच के, क्योंकि वहां पे लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड. ठीक है, ओपीसी फॉर्म करने के लिए यू शुड बी अ इंडियन सिटीजन एंड एन इंडियन रेजिडेंट. आप इंडियन सिटीजन भी होने चाहिए और इंडियन रेजिडेंट भी होने चाहिए. आपके चाचा जी बाहर से आके बोले मैं तो इंडिया में बर्थ हुआ है, मैं तो ओपीसी फॉर्म कर सकता हूँ, मैं फॉर्म करके बाहर चले जाऊंगा, आपके पापा को कह दूंगा चला लेंगे, नहीं हो सकता. ही शुड बी इंडियन सिटीजन एंड रेडिसन, राइट, रेजिडेंट. ओके, अनदर थिंग, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी. आपके पास कैपिटल है, आपने कहा मैं 2 कंपनियां बना लेती हूँ, बना लेता हूँ ओपीसी, बना सकते हो? नहीं बना सकते. हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हो. अब रिलायंस में देखो, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इनकी कितनी कितनी कंपनी है, बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ जिसके आप ही शेयर होल्डर हो वो आप एक ही कंपनी बना सकते हो. वन पर्सन कैन फॉर्म ओनली वन ओपीसी. ठीक है, then no minor can become member of OPC. Minor person OPC नहीं form कर सकता. सीधी सी बात है, minor contract में enter नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो कोई company OPC form नहीं कर सकता. Okay, so such company cannot carry out non-banking financial investment activities. Non-banking financial activities ये carry on नहीं कर सकती, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज ऑफ एनीबडीज कॉर्पोरेट्स. याद रखना, ठीक है, सच कंपनी कैनॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज. दो तरह की एक्टिविटीज होती है बेटे फाइनेंशियल, एक होती है बैंकिंग एक्टिविटीज, दूसरी होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज. तो अगर आपने ओपीसी फॉर्म की है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए आप नहीं कर सकते. अगर आपको कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल काम करना है, यानी आपने किसी सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्ट करना है, और आप बोलो कि मैं ओपीसी फॉर्म करके बना ले कर लेता हूं, ये काम नहीं कर सकते. क्योंकि ये जो काम होते हैं ना, इसमें पैसों का लेन देन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है. ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको अलाउ ही नहीं करेगी ओपीसी फॉर्म करने के लिए. ऐसा ना हो कि आप फ्रॉड कंपनी फॉर्म करो और लोगों ने आपको पैसे दिए कि आप सिक्योरिटीज खरीद लो और हमें इंटरेस्ट देते जाना, और वो आप सारे के सारे पैसे लेके भाग सकते हो. यू आर द सिंगल पर्सन, ठीक है, नो, एंड योर लायबिलिटी इज लिमिटेड. सो दैट्स व्हाई वी हैव नॉट अलाउड ओपीसी
to carry out any non-banking financial investment activities. ठीक है बेटे, फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन सी होती है जो जो कि सब्सक्राइब करती है जनरल पब्लिक को, क्लियर, इनवाइट करती है पब्लिक को कि आप उसके कंपनी के शेयर्स खरीदो. हाँ, तो वो पब्लिक हो गई. इनिशियली इट वाज सेट अप एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. धीरूभाई अंबानी ने जब रिलायंस सेटअप की थी, इट वाज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. लेकिन बेटे धीरे धीरे लोगों को रियलाइज हुआ कि अपने पास शेयर रखे ना, हम कोई हमारा कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा. वो शेयर्स क्या, अब क्या करते हैं, शेयर्स मार्केट में बेच देते हैं, उसे कैपिटल आ जाती है, उस कैपिटल को अपनी फर्म में इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा उनको उनका प्रॉफिट का हिस्सा दे देते हैं. ठीक है, ओके. सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी? सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर्स. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? टू, मिनिमम टू, मैक्सिमम 200. पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट, जितने मर्जी लोगों को बेचो. ठीक है, मेरे पास एक कंपनी के 10 शेयर हैं, आपके पास 1000 है, उसके पास 2 शेयर है, तो मल्टीट्यूड इन्वेस्टर्स कैन बी देयर इन अ सिंगल कंपनी, राइट? समझ आ गया, नो लिमिट, ओके. देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वेयर एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. अनदर डिफरेंस, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए मिनिमम? 2. मिनिमम कितने डायरेक्टर्स? 2. और पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम 3. 7 मेंबर्स है ना बेटे, डायरेक्टर्स 2 और 3 याद रहेगा. मिनिमम डायरेक्टर्स 2 इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 3 इन केस ऑफ मिनिमम पेड अप कैपिटल. प्राइवेट लिमिटेड में 1 लाख होती है, पब्लिक लिमिटेड में 5 लाख होती है. ठीक है, सो जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जाती है तो उसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी होता है. मैंने कंपनी बनाई, ठीक है, से माइंड गेम्स के नाम से, सो माइंड गेम्स प्राइवेट लिमिटेड अगर प्राइवेट है तो. अगर मैंने इसको पब्लिक कर दिया तो माइंड गेम्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी. ठीक है, ओके. देन लीगल प्रोस्पेक्टस. Private limited company is not required to issue prospectus, whereas is required to. ठीक है. Now, what are the stages in the formation of a company? It depends whether you are forming a private limited company or a public limited company. For any company, 3 stages are common. First is promotion. Another is incorporation. ठीक है, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन यू गेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. सो इफ यू आर फॉर्मिंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस, बट इफ यू आर स्टार्टिंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी यू नीड टू गो थ्रू द थर्ड स्टेज, विच इज स्टेज ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन. स्टेज ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन की जो स्टेज है वो आपको करनी पड़ेगी. इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. ठीक है, तो देखें पहली स्टेज प्रमोशन. प्रमोशन का मतलब क्या होता है बेटे? It simply means discovering a business opportunity and taking all the necessary steps to convert this opportunity into practical shape. आपने सोचा कि हम ये काम करते हैं, एक आइडिया सोचा,
सिर्फ आइडिया सोच लेने से, ख्वाब लेने से उसको प्रमोशन का नाम नहीं देंगे। आपने मिलके सोचा हम ये काम करते हैं, ऐसी कंपनी बनाते हैं, उसमें ये किया जाएगा, एंड देन यू स्टार्टेड विद यू नो डूइंग ऑल द वर्क विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, टू गिव योर आइडिया अ प्रैक्टिकल शेप, तो उस स्टेज को कहते हैं प्रमोशन। कौन हो सकता है प्रमोटर? इट कुड बी एनी इंडिविजुअल, इट कुड बी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इट कुड बी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी। ठीक है, तो मैं रिलायंस की बात करूंगी। रिलायंस इनिशियली वॉज अ कॉटन टेक्सटाइल मिल। ठीक है, आज देखो वो टेलीकम्युनिकेशन में है, पेट्रोलियम्स में है, है ना, और अलग अलग फील्ड में है वो। तो जब रिलायंस ने सोचा कि हम जियो नाम की एक नेटवर्क बनाएंगे, कम्युनिकेशन सेक्टर में आएंगे, उसने एक नई कंपनी बना ली रिलायंस इंफोकॉम के नाम से। तो यहाँ पे प्रमोटर कौन है? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी रिलायंस। ठीक है, सो व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द प्रमोटर? फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहला स्टेप यही है, आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या काम करना है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। दिस कुड बी ऑफ यू नो मेकिंग अ न्यू प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आपने उतारना है, या कोई नई सर्विस प्रोवाइड करनी है, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको नए तरीके से देना है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, मैगी क्या क्या लॉन्च किया था? वो प्रमोशन थी, दैट वॉज नॉट प्रमोशन, दैट वॉज प्रमोशन ऑफ पब्लिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मैगी कोई नई कंपनी थोड़ी ना फॉर्म की थी बेटे, रीलॉन्च कंपनी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी ना, हमने प्रोडक्ट को रीलॉन्च किया, वो प्रमोशन नहीं है। ठीक है, वो एक पब्लिसिटी स्टंट है, दैट इज नॉट फॉर्मिंग यू नो न्यू आइडिया। अभी प्रमोशन उसकी होती है जो कंपनी अभी एग्जिस्टेंस में आई नहीं है। आप कंपनी को प्रमोट कर रहे हो, प्रमोट का मतलब इनकॉर्पोरेट करना है, बनानी है। कंपनी अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, आपने बीकॉम कर ली, आपके माइंड में आया अब जोमेटो है। ठीक है, ये दो चार लोगों ने मिलके सोचा चलो हम एक ऐसा ऐप बनाते हैं, है ना, या ओला है, यूबेर है, ये इन्होंने सोचा अपना एक नई आइडिया सोचा और फिर वो एक कंपनी बनाई, वो प्रमोशन हो रही है। जब वो सोच रहे हैं एंड दे आर मेकिंग एन ऐप, ठीक है, दे आर टेकिंग ऑल दी नेसेसरी स्टेप्स, लाइक दे आर कंडक्टिंग फिजिबिलिटी स्टडी, दे आर गेटिंग देयर डॉक्यूमेंट्स मेड, दिस इज प्रमोशन। तो पहला स्टेप क्या हुआ प्रमोशन में? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सेकेंड क्या हुआ? कंडक्टिंग फिजिबिलिटी स्टडीज। फिजिबिलिटी का मीनिंग पता है आपको? नहीं पता? फिजिबिलिटी, ये फिजिबल है या नहीं ये चीज? आज कल आपका पेपर है, आप सुबह 6 बजे उठ के पढ़ो और बोलो मेरा सिलेबस हो जाएगा, इज इट फीजिबल? प्रैक्टिकल है? नहीं है। ये क्या प्रैक्टिकल है ये चीज? तो फीजिबिलिटी का मतलब प्रैक्टिकलिटी देखना। ठीक है, क्या ये चीज प्रैक्टिकल हो पाएगी, रियलिटी में इसको कन्वर्ट कर पाएंगे कि नहीं? तो फॉर दैट वी कंडक्ट फीजिबिलिटी स्टडीज। Three types of feasibility studies are conducted: technical feasibility, economic feasibility, financial feasibility. ठीक है, technical feasibility में हम ये देखते हैं क्या जो raw material हमें चाहिए, जो technology हमें चाहिए इस product के लिए, वो feasible है कि नहीं है। जैसे आपने कहा हम Zomato का app बनाते हैं, ठीक है, आप online order कर सकते हैं, या Ola online आप यहाँ पे बैठे order कर सकते हो, आपके बाहर गेट पे ओला आ जाएगी, कैब आ जाएगी, है ना, वो तभी फीजिबल है अगर इंडिया में नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, वाईफाई है। लेट अस से इंडिया इज अ कंट्री वेयर देयर इज नो वाईफाई, 2G में हम बैठे हुए हैं, तो उस केस में नेटवर्क ही नहीं है तो आप कैसे ऑनलाइन अपना ऑर्डर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, तो टेक्निकल फीजिबिलिटी देखनी पड़ेगी। उसके बाद फाइनेंशियल फीजिबिलिटी, आपको ये बिजनेस सेटअप करने के लिए जिन फंड्स की जरूरत है क्या आप वो अरेंज कर पाओगे? वुड यू बी एबल टू अरेंज इट? दिस इज फाइनेंशियल फीजिबिलिटी।
तो अगर लगता है आपको यस यू विल बी एबल टू अरेंज इट, देयर इज नो इश्यू, आपने सोच लिया है इतने बैंक से लेने, इतने मेरे पापा ने देने हैं, इतने मेरे उस फ्रेंड ने देने, इतना उससे उधार ले लेना है, मेरा काम हो जाएगा, ओके गो अहेड. थर्ड इज इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, क्या ये बिजनेस आपको लॉन्ग रन में प्रॉफिट देके जाएगा. आपको देखना, कोई भी बिजनेस सेटअप करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि उसकी ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी. अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जो आप चीज करें ना, इसका स्कोप नहीं है, ठीक है, आने वाले टाइम में ये जो चीज है ये नहीं चलेगी, तो आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा. जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो आपको ये बिजनेस करना चाहिए नहीं, ठीक है. तो इसीलिए आपको ये तीनों फिजिबिलिटी स्टडीज कंडक्ट करनी होती हैं. अगर आपको लगता है कि आपके फाइनेंसेस अरेंज हो जाएंगे, गो अहेड. आपको कोई टेक्निकल इश्यूज नहीं आएंगे, गो अहेड. आपका जो वेंचर है वो प्रॉफिटेबल है, गो अहेड. गो अहेड एंड गेट योर कंपनीज नेम अप्रूव्ड. तीसरा काम क्या है प्रमोटर का, जो कंपनी सेटअप कर रहा है उसका तीसरा काम क्या है, अपनी कंपनी को एक नाम देना और उस नाम को अप्रूव करवाना. टू गेट द नेम अप्रूव्ड, हाउ टू गेट द नेम अप्रूव्ड, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज एक्ट. देयर इज वन फॉर्म विच इज नोन एज फॉर्म 1A, आप वो भरिए. उसमें आपसे तीन नाम पूछे जाएंगे, आप अपनी कंपनी का नाम क्या रखना चाहते हो, ठीक है. तीन नाम क्यों सोचने पड़ेंगे, क्योंकि पहली बात आपको ये नाम रखते हुए ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी ना हो. आपकी फैमिली में 10 मेंबर हैं, 11वां मेंबर आया तो आप उसका नाम सेम तो नहीं रख दोगे किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर का. इसी तरह से कंपनी का भी सेम नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है. और आपके ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, ये ना ऑब्जेक्ट शो कर रहा है कि ये एकेडेमिक है और वैसे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ठीक है. तो तीन नाम प्रिकॉशन से, तीन नाम ऑलरेडी सोच के रखो, ठीक है. इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस लिख दो तो रजिस्ट्रार आपको एक नाम अप्रूव कर देगा. तो आपने नाम अब अप्रूव कर लिया, अब कुछ कुछ आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में आने, कंपनी नहीं एग्जिस्टेंस में आई लेकिन कंपनी आ रही है, ठीक है. कंपनी को एग्जिस्ट करने के लिए जो जो आपको कामों की जरूरत है वो चेकलिस्ट होती जा रही है कंप्लीट, ठीक है. उसके बाद आपने बेटे MOA बनाना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कुछ नहीं आता, रोज आते हो देखो आप लोग, बोलो. डेफिनेशन नहीं आती तो मैं कौन सा डेफिनेशन पूछ रही हूँ, क्या होता है MOA में. वेरी नाइस, MOA contains objectives for which the company is formed. It contains various clauses, name clause, registered office clause, liability clause, capital clause, association clause. Association clause में ये लिखा जाता है कि ये जो 102 members हैं जिनके नाम नीचे लिखे हुए हैं, they are ready to buy the qualifying shares of the company. What are the qualifying shares? ये वो शेयर है बेटे जो कि, let us say हम चार लोग मिलके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है. अब कल को आप, हम सारे काम करते जा रहे हैं, हमने नाम तक अप्रूव करा लिया, कल को आप में से, अब पहले हमने ये सोचा था ओरली कि हम 5-5 लाख रुपए डाल के कंपनी खोल लेंगे 20 लाख की, ठीक है. अभी तक तो ये क्या हमारे ओरली हुआ है ना, ये कोई रिटर्न अग्रीमेंट तो कुछ नहीं हुआ. कल को आप में से एक को किसी ने कह दिया ये कंपनी का हिस्सा मत बनना, तेरे पैसे वेस्ट जाएंगे, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला. तो कल को हमने सारे काम कर रखे हैं, तो कल को ये रिफ्यूज कर दे, मैंने तो नहीं शेयर खरीदने, मैंने तो नहीं अपने 5 लाख रुपए देने, फिर क्या करोगे. तो कुछ आपको तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए. क्या तैयारी की, यू हैव टू फिक्स अप सिग्नेटरीज टू MOA. सिग्नेटरी समझ गए, जो साइन करेगा, सिग्नेटरी इज द वन हु विल साइन MOA. साइन किसके ऊपर करेगा,
आप एमओ में क्लॉज डालोगे जिसमें लिखोगे कि ये जो लोग हैं जिनके नाम नीचे लिखे हुए हैं, ये 1, 2, 3, 4 सपोज 4 लोग हैं, ठीक है। वैसे आपको चाहिए होते हैं मिनिमम 2 इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और मिनिमम 7 इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है, क्योंकि उसमें मिनिमम मेंबर ही 7 होने चाहिए, तो मिनिमम 7 तो चाहिए ही ना सिग्नेटरीज, और इसमें 2 होने चाहिए। तो लेट अस से हम चारों मेंबर बनने के जरूरी के लिए रजामंद है, तो यहाँ पे चारों के नाम लिखे जाएंगे। आपका नाम क्या है? कुणाल। आपका नाम अभी, ठीक है, और आपने कहा मैं 5 लाख डालने को तैयार हूं। 5 लाख हमने किया, हमने कहा हम कंपनी को शेयर्स कैपिटल को शेयर में डिवाइड करते हैं ना, तो हमने कहा 10 रुपए का एक शेयर होगा, तो इसका मतलब आप कितने शेयर लेने को तैयार हो? 5 लाख रुपए आपके पास, 10 रुपए का एक शेयर है, 5000 शेयर्स, ठीक है, तो इसके नाम के आगे आ जाएगा 5000 शेयर्स, 50,000 शेयर एट ₹10 ईच, ठीक है, यानी आप कितना कंट्रीब्यूट करने को तैयार हो? 5 लाख रुपीस। इसी तरह इन सबके नाम के आगे लिख दिया जाएगा और हम सब इसको साइन करेंगे, ठीक है। दिस इज नोन एज फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू MOA। अगर आपके पास लेटर से नाम अप्रूव करा लिया, ठीक है, अब बारी आई MOA को साइन करने की, मैंने भी रिफ्यूज कर दिया, इसने भी रिफ्यूज कर दिया, इसने भी रिफ्यूज कर दिया, रह गया ये कुणाल, तो क्या ये अकेला कंपनी फॉर्म कर सकता है? नहीं, ही नीड्स एटलीस्ट 2 सिग्नेटरीज टू MOA। ये जो लोग हैं ये कंपनी के क्वालिफाइंग शेयर्स लेने को तैयार हैं, ठीक है। तो अगर आप MOA फिक्सअप सिग्नेटरीज फिक्सअप नहीं कर पाए तो आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती है। सो आफ्टर गेटिंग द कंपनीज नेम अप्रूव्ड, नेक्स्ट स्टेप इज फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू MOA। फिक्सअप कर लिया आपने, अब हम सब रजामंद हो गए, ठीक है, हम साइन कर देंगे। अब आपको क्या करना है? यू हैव टू अपॉइंट प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? जो आपको बेटे देखो, कंपनी को फॉर्म करना एक लीगली लीगल रिक्वायरमेंट्स बहुत होती है, तो हम बैठे बैठे कुछ कॉमर्स के स्टूडेंट्स है, कुछ साइंस के स्टूडेंट्स है, जो कंपनी फॉर्म, आपको पता है ना आजकल IITians कंपनीज फॉर्म करते हैं अपनी, तो उनको तो पता ही नहीं है, उन्होंने तो ये नहीं पढ़ा हुआ बिजनेस स्टडीज में, तो इसलिए कंपनी कैसे फॉर्म करेंगे? दे विल अपॉइंट प्रोफेशनल्स, दे कुड बी CA, दे कुड बी बैंकर्स, ये सब मिलके उनको बताएंगे और उनकी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कराने में हेल्प करेंगे। रेस्ट वी विल डू टुमारो।